वर्क क्या होता है उससे शुरुआत करते हैं वर्क जो डे टू डे लाइफ में हमारा वर्क का एक्सपीरियंस है और जो फिजिक्स वर्क को डिफाइन करता है दोनों में डिफरेंस है क्या डिफरेंस है तो जैसे आप मान लीजिए पढ़ाई करते हैं डे नाइट जग के पढ़ रहे हैं बैठे हुए हैं चेयर पे और लगातार पढ़ रहे हैं इन दैट केस इन डे टू डे लाइफ वी विल से यू आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क बट नॉट सो इन द केस ऑफ फिजिक्स फिजिक्स के हिसाब से वर्क नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं करा आपने फोर्स नहीं लगाया सो दैट इज वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वर्क का डेफिनीशन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या है तो वर्क के का डेफिनीशन जो है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कुछ इस तरह से है कि सपोज वी हैव अ ब्लॉक हमारे पास मान लीजिए क्या है एक ब्लॉक है इस पर हम लोग एक फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स की वजह से वो ब्लॉक कुछ एस डिस्प्लेसमेंट करता है इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर थीटा है तो वर्क डन डब्लू इज डिफाइंड एज एफ एस कॉस थीटा या फिर डन को हम लोग f डॉट ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं तो डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह से हम लोगों को डेटा दिया हुआ है हम लोग दोनों को यूज करके वर्गन निकालेंगे अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दिया दोनों के बीच का एंगल मालूम है तो एफ एस कॉस्थीटा यूज कर लेंगे अगर एफ और एस हमको वेक्टर फॉर्म में दिया है देन वी विल यूज एफ डॉट एस अब इसके एस आई यूनिट की बात कर लेते हैं इसकी जो एस आई यूनिट है वो क्या होगी न्यूटन मीटर ये सो नो न्यूटन इंटू मीटर और उसको हम लोग जूल कहेंगे क्या कह लेंगे जूल कह लेंगे इसके डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं डायमेंशन क्या है फोर्स वर्क का वर्क का जो डायमेंशन है दैट इज न्यूटन का जो डायमेंशन होगा मतलब फोर्स का जो डायमेंशन होगा के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है इंटू ये अभी लिख रहे हैं डायमेंशन नहीं लिख रहे हैं यूनिट के टर्म्स में लिख रहे हैं इंटू मीटर अब अगर डायमेंशन लिखना हो तो यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं के जी यानी मास मीटर का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर तो माइनस टी स्क्वायर हो गया डायमेंशन ऑफ वर्क आ गया अब इसके स्पेशल केसेस को देख लेते हैं स्पेशल केसेस क्या क्या स्पेशल केस हो सकता है थीटा अगर ज़ीरो डिग्री हो थीटा क्या हो ज़ीरो डिग्री तो कॉस जीरो वन होता है उस केस में वर्क डन विल बी ओनली एफ इंटू एस थीटा अगर वन डिग्री हो डब्ल्यू विल बी ओनली माइनस एफ एस क्यों कॉस वन एटी इज माइनस वन थीटा अगर नाइन्टी डिग्री हो डन विल बी इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि कॉस नाइन्टी ज़ीरो होता है नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ वर्क अब क्या देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ वर्क वर्क का नेचर जैसे पहला हम लोग नेचर देख रहे हैं पॉजिटिव वर्क डन पॉजिटिव वर्क अगर आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो इस क्वांटिटी को इस साइड को आप पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा केवल थीटा डिसाइड करेगा कि वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नहीं सो पॉजिटिव वर्क डन के लिए कॉस्थीटा मस्ट बी पॉजिटिव एंड कॉस्थीटा के पॉजिटिव होने के लिए थीटा मस्ट बी एक्यूट तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट होता है तो पॉजिटिव डन होता है सेकेंड नेगेटिव वर्क नेगेटिव वर्क कब होगा जब कॉस्थीटा नेगेटिव होगा कॉस्थीटा कब नेगेटिव होता है जब थीटा ऑप्ट्यूस हो जब थीटा ऑप्ट्यूस होता है तो कॉस्थीटा नेगेटिव होता है वर्कडन को नेगेटिव कहते हैं। जब कोई फोर्स पॉजिटिव वर्कडन करता है तो वो बॉडी को एनर्जी देता है और जब कोई फोर्स नेगेटिव वर्कडन करता है तो वो बॉडी से एनर्जी लेता है एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा बॉडी का अगर नेगेटिव वर्कडन करेंगे और एनर्जी बढ़ जाएगा बॉडी का अगर पॉजिटिव वर्कडन करेंगे अलग अलग फोर्सेस का वर्कडन क्या होगा वो निकालेंगे जरूर पहले तो बहुत बेसिक तो यहीं से निकल जाएगा इसके अलावा हम लोग को पढ़ना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मान लीजिए कि कोई फोर्स है जो वेरी कर रहा है क्या हो रहा है वैरी कर रहा है तो उस समय वर्क डन निकालने के लिए W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू कर लेंगे अभी ये जो हमने लिखा है वो x में मोशन हो रहा है तब लिखेंगे फोर्स भी x में और डिस्प्लेसमेंट भी x में तो वर्क डन ये होगा वन डायमेंशन के लिए ये लिख लिया अब क्यों ऐसा करना पड़ता है क्योंकि अगर आप पांच देखें पूरे में सेम फोर्स हो तब तो आप लिख सकते हैं कि ये फोर्स इनटू टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो गया लेकिन अगर पूरे में सेम फोर्स नहीं है तो हर जगह फोर्स बदल रहा है तो आप एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे डीएक्स इस डीएक्स के लिए फोर्स को कॉन्स्टेंट मानेंगे और इसके लिए डी डब्ल्यू लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एक्स और जब ये डी डब्ल्यू निकल जाएगा तो ऐसे हर छोटे छोटे वर्क डन को आप ऐड करना चाहते हैं और इफ यू वॉन्ट टू एडम टूगेदर ऑब्वियसली आपके पास एकमात्र उपाय जो बचता है ओनली वे इज टू इंटीग्रेट है ना एकमात्र उपाय यही है कि आप ऐसे इनफाइनाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स को ऐड करने का उपाय है इंटीग्रेशन करना दैट इज वाई डन बाई वेरिएबल फोर्स इज फाउंड बाई इंटीग्रेटिंग इफेक्ट डीएक्स So, this is how we find work done by variable force. More things to come, but before that, please copy this much. Okay, now let's continue. So, यहां हमने देखा वेरिएबल फोर्स का वर्कडन कैसे कैलकुलेट करते हैं नाउ वी विल सी कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ वर्कडन क्या है ओके सो लेट स्टार्ट विथ ग्राफिकल मीनिंग ऑफ वर्क या ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग वर्क मतलब वर्क को ग्राफिकल मेथड से कैसे निकाल सकते हैं आप देखिए अगर हमारे पास एक ग्राफ हो फोर्स वर्सेस एक्स का तो ये जो ग्राफ होगा मान लीजिए किसी दो पॉइंट के बीच में लेते हैं एक्स वन और एक्स टू के बीच में यहां पे कोई एक पतला सा स्ट्रिप लें तो इसका एरिया क्या आएगा एरिया ऑफ दिस स्मॉल पार्ट विल बी एफ इन टू डी एक्स येस और न यहाँ पर जो फोर्स होगा वो फोर्स और इस थिक इसका थिकनेस हम लोग ऑब्वियसली डी एक्स लेंगे स्मॉल चेंज इन एक्स सो इसका जो छोटा वाला एरिया होगा वो एफ डी एक्स होगा और पूरा एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एक्स वन से एक्स टू सो so, अगर हम ध्यान से देखें कि अगर ये एफ एक्स होगा तो एफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू ये इसका एरिया देता है लेकिन हमको मालूम है कि ये एरिया ही ये एरिया ही वर्क डन के इक्वल है ये अभी अभी हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में पढ़ा सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डन ये किसके इक्वल है डन के इक्वल तो यहां से स्टेटमेंट क्या निकाल सकते हैं कि एरिया एरिया अंडर एफेक्स ग्राफ एफेक्स ग्राफ गिव्स वर्क डन तो अगर आपको वर्क डन निकालना हो आप एरिया अंडर एफेक्स ग्राफ निकाल लीजिए वर्क डन आपका निकल जाएगा है ना तो इस तरह से हमने वर्क डन बाई ग्राफिकल मेथड हम वर्क डन कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया अब हम लोग देखने जा रहे हैं वर्क डन इन कॉम्पोनेंट फॉर्म वर्क डन इन कॉम्पोनेंट फॉर्म कॉम्पोनेंट फॉर्म मान लीजिए कि आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिया हुआ डिस्क थ्री डी में दिया हुआ एफ इक्वल्स टू कुछ इस तरह से दिया एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ़ जेड के कैप और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर वेक्टर है जिसको आप एस से भी डिनोट कर सकते हैं वो होगा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप ये सर नो अब केवल इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो वर्क डन आ जाएगा ये जो होगा एफ़ डॉट एस आप लिख सकते हैं या एफ़ डॉट डेल्टा आर लिख सकते हैं जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे आई कैप वाले को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगा वाले वाले को जे कैप वाले से मल्टीप्लाई कर लो एफ वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस के कैप वाले को के कैप वाले से मल्टीप्लाई कर लो यानी एफ जेड इंटू डेल्टा जेड तो इस तरह से आप आसानी से वर्डन इन कॉम्पोनेंट फॉर्म निकाल सकते हैं अगर हम लोग देखें वर्कडन इन कॉम्पोनेंट फॉर्म बट बाई वेरिएबल फोर्स वर्कडन इन कॉम्पोनेंट फॉर्म बट बाई वेरिएबल फोर्स वेरिएबल फोर्स तब क्या करेंगे अगर मान लीजिए वेरिएबल हो लेकिन वह कॉम्पोनेंट के फॉर्म में दिया हो जैसे एफ इक्वल्स टू तो आपको उसी तरह से दिया रहेगा एफ एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप लेकिन ये जो वैल्यूज होंगे ना वो कांस्टेंट नहीं होंगे वो वेरिएबल होंगे तो उसके इसमें कैसे डन निकालेंगे तब हम लोग छोटा वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे डी एक्स लिखते थे उसी तरह से डी आर लिखेंगे ये हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप और डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे यहां से डी डब्ल्यू आ जाएगा डी डब्ल्यू आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड और टोटल वर्क डन निकालने के लिए डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू यानी इंटीग्रेशन ऑफ अब सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे एफ एक्स डीएक्स करेंगे तो कहां से कहां करेंगे एक्स वन से एक्स टू करेंगे प्लस एफ वाई डी वाई करेंगे कहां से कहां करेंगे वाई वन टू वाई टू करेंगे प्लस एफ जेड डी जेड करेंगे कहां से कहां तक करेंगे जेड वन टू जेड टू करेंगे तो इस तरह से हम लोग टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं तो इस तरह से हमने वर्क को कंप्लीट कर लिया है आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे